और अब वक्त है टीवी 9 भारतवर्ष के नए शो दिल्ली डायलॉग का। चलते हैं पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन अपने सहयोगी करुणा शंकर शर्मा के पास। नमस्कार, 12:15 बज चुके और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और अब वक्त है दिल्ली डायलॉग का। आज हम पहुंचे हुए हैं पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के दिलशाद गार्डन इलाके में और आप देखिए लगातार जो सियासी तपिश है वो बढ़ती हुई नजर आ रही दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है और जेल के अंदर से इस बात का दावा कर रहे हैं कि आज वो कोर्ट के सामने कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं, एक्साइज पॉलिसी को लेकर बहुत बड़ी बात करने वाले। दिल्ली की जनता क्या सोचती है आज उनसे हम बात करेंगे। कैसी यहां पर चुनावी सरगर्मी इस पर हम बात करने वाले, कैसा माहौल है, कितनी गर्मी बढ़ गई है? गर्मी बहुत जबरदस्त बढ़ी हुई है। चुनावी गर्मी कैसी है? गर्मी बहुत जबरदस्त बढ़ी हुई है और आप देख पा रहे हैं लोगों में इतना जोश है। मोदी जी सरकार दोबारा आ रही है और लोग कह रहे हैं कि अब की बार और 400 पार। और जैसा कि आपको पता ही है कि दिल्ली का जो ये दलाल था अपना, इसने इतना बुरा हाल किया शराब माफिया कि आज जेल में है और जनता भी ये चाहती है कि ये वापस नहीं आए। इन्होंने इतना तगड़ा घोटाला किया। नहीं, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इस बार 400 पार, लेकिन इस बार तो कांग्रेस और आप एक साथ। नहीं, कांग्रेस और आप एक साथ है लेकिन बीजेपी वाले तो उनका बहुत ही बढ़िया जो हिसाब चल रहा है और सारा काम बढ़िया सारा जो है, लेकिन हमारे दिल्ली दल बोर्ड में पेंशन नहीं मिल रही है और ना मेडिकल के बिल मिल रहे हैं। 6-6 महीने से लटके पड़े हैं बिल जो है। आप बताइए क्या माहौल इस बार आपको लग रहा है? इस बार तो आप और कांग्रेस दोनों एक साथ आ गए। देखिए, इस बार गठबंधन जो है पूरी ताकत के साथ इनका जो इन्होंने देश के अंदर विपक्ष को खत्म करने के, लेकिन ये तो बोल रहे हैं इस बार 400 पार, देश को जो एजेंडा इन्होंने बना रखा है विपक्ष को जेल में डाल के, और जब साफ साफ को जेल में डाल देंगे तो ये चाहते हैं कि विपक्षहीन संसद ये चाहते हैं, तो इस बार इनको करारा जवाब दिया जाएगा। ये बताइए विपक्ष को जेल में डाला जा रहा है, कई नेता विपक्ष के जेल के अंदर हैं, इसका नुकसान होगा या फिर फायदा होगा? कल आतिश बोल रही थी सिंपैथी मिलेगी। नहीं, जो इस टाइम जेल के अंदर है सारी पब्लिक चाहती है कि उनको सजा मिले और ये बाहर। किसको? अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल को, इनने इतने बड़े बड़े घोटाले किए। किस बात की सजा मिले? ये जो शराब घोटाला है, शराब घोटाला हुआ है आपका मानना है? बिल्कुल 100% हुआ है। और अब की मैं कल देख रहा था पंजाब के सिरसा साहब ये बता रहे थे कोई सिद्ध करके दिखा दे, 1 करोड़ रुपए मैं दिखाऊंगा, उनने घोटाले की है, 100% घोटाले की है। हम तो नहीं, आप हाथ उठा रहे हैं लेकिन कल तो आतिश और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे हैं भाई 1 रुपया नहीं मिला, 250 से ज्यादा रेड हुई है। RWS से हूँ, जेएंड के पॉकेट में। आप बताइए, 25 साल से ऐसा कोई घोटाला नहीं है। जो भी कुछ ईडी बोल रही है वो बीजेपी की स्क्रिप्ट बोल रही है। इसमें कभी भी कहीं भी कोई मनी ट्रेल नहीं एस्टेब्लिश हुई है, नहीं कहीं पैसे का ट्रांस, नहीं पैसा रिकवर हुआ है। नहीं नहीं, मैं ये समझना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद, अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद क्या इसका फायदा होगा या नुकसान होगा विपक्ष को? बिल्कुल, ये बीजेपी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, बीजेपी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। एक एक ईमानदार मुख्यमंत्री को जो कि 67 एमएलए लेके आता है, 63 एमएलए लेके आता है, उसको झूठे केस में फंसा करके इन्होंने ईडी की जो कि इनका तोता है, इनकी स्क्रिप्ट बोल रहा है, उसको जेल में डाला जाता है। आप कुछ बोलना चाह रही? मैं एक मिनट और बोलूंगा। मैं आप बताइए ईडी ने कितनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है? क्या ईडी इतनी इनएफिशिएंट है? क्या इतनी ईडी सीबीआई गलत कर रही है? गलत कर रही है आपके हिसाब से? आप कुछ बोलना चाह रही? मैं आ रहा हूँ आपके पास। चार्जशीट फाइल, ठीक है, सबको मौका दे रहे हैं। बीजेपी कह रही है इस बार 400 पार, लेकिन वो नहीं 400 पार हो नहीं पाएगा इस बार। जो गठबंधन हुआ है, कौन 400 पार नहीं हो पाएगा? बीजेपी। इस बार जो हमारा गठबंधन हुआ है आप और कांग्रेस के साथ, इस बार हम सत्ता में आएंगे। अब की बार केजरीवाल सरकार। लेकिन बीजेपी बोल रही है भाई भ्रष्टाचार कर दिया तो कैसे सत्ता में आ पाएंगे? तो उनका ही इलेक्टोरल बॉन्ड भी तो दिखाई दे रहा है ना, वो दिखाई नहीं दे रहा उनका। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? कुलदीप कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूँ, दिल्ली विधानसभा के आप सदस्य हैं, आप ये बताइए पिछले 8 साल से एक भी नया राशन कार्ड क्यों नहीं बना, एक भी नई बुजुर्ग की पेंशन क्यों नहीं बनी, क्यों आयुष्मान भारत में दिल्ली में लागू नहीं हुई आयुष्मान भारत, क्यों आपने दिल्ली को शराब की राजधानी बना दिया? इसका नुकसान होगा हमारी पार्टी कांग्रेस। अब की बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की 400 पूर्ण बहुमत की। आप कुछ बोलना चाह रही? अब की बार मोदी सरकार, अगर वो भ्रष्टाचारी नहीं है, पहली बात तो दो भ्रष्टाचारी मिल गए, वही कांग्रेस जो पहले ये कहा करती थी आप पार्टी के लिए और शीला दीक्षित की वो फाइलें। लेकिन आम आदमी पार्टी बोल रही है भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी नहीं मिला। क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ अरविंद केजरीवाल के घर से 73,000 रुपए मिले बस रेड का। शराब माफिया ने किया है,
जो नुकसान शराब माफिया के कारण दिल्ली सरकार को हुआ वो आज के इतिहास में कुछ तो हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है, हुआ है बहुत कुछ कैसे नहीं हुआ है। एक बात बताइए ना, ईडी बिना प्रूफ के किसी को उठा सकती है क्या? कानून से कोई बड़ा हो सकता है क्या? कोर्ट जज ने जब अदालत ने कोई फैसला दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। आप किसी को एक दिन अंदर रख लेंगे, दो दिन रख लेंगे, एक एक साल। लेकिन अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि किसके पास पैसा गया, प्रोसीड ऑफ क्राइम कहां गया, वो आज खुलासा करने वाले हैं। ठीक है, करना चाहिए, अच्छी बात है, जो जो लोग हैं उसमें वो सब सामने आने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ से हाथ उठा रहे, आप बताइए नुकसान होगा या फायदा होगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरह से ये विपक्ष का गला घोंट के उनके नेताओं को जेल में डाल के झूठे केसों में कौन घोट रहा है गला, बताइए कौन गला घोट रहा है? सबसे पहले शराब के कांड के अंदर इन्होंने गिरफ्तार किया रेड्डी को। रेड्डी ने अभी जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पूरा सच बाहर आया है, वो 55 से 59 करोड़ रुपए किस पार्टी को गए, ये पूरा आज पूरा विश्व देख रहा है, उसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। जिसको जिसको इन्होंने सबसे पहले गिरफ्तार किया, आज उसको इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए चंदा लेकर के उसको जमानत भी मिल गई, वो सब बाहर बैठा है और उसकी गवाही पे ये हमारे नेताओं को जबरदस्ती इन्होंने बंद करके रखा हुआ है। क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं बताइए। अगर उनके पास आज कुछ खुलासा करने के लिए है तो जब सिसोदिया जेल में गए तब खुलासा किया, और जब उसके बाद उनके सारे मंत्री गए तब खुलासा क्यों नहीं किया? आप जब वो पहले शीला दीक्षित की फाइल ले लेके घूमते थे, बताइए ना, जवाब क्यों नहीं दे रहे वो और ईडी? ठीक है मैं यहाँ पर भी आ रहा हूँ, आप बताइए। अब आज तो खुलासा करने वाले, लेकिन ये सवाल भी पूछा जा रहा है, सब पूछ रहे हैं कि संजय सिंह अंदर है, मनीष सिसोदिया अंदर है, सत्येंद्र जैन अंदर गए, खुलासा अब जाकर क्यों हो रहा है? देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। आज ये सरदार, जब सरदार पे गिरफ्त बनी है तब ये बौखलाहट में ये हो रहा है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, चाहे गठबंधन मनाओ, ये गठबंधन नहीं ठगबंधन, विचार आपके अलग अलग हैं। एक ध्रुवीकरण करने के लिए कि कहीं ध्रुवीकरण कौन कर रहा है, ध्रुवीकरण आपका गठबंधन करने की प्रयास में है कि बिखराव ना हो। कल यही चल रहा था कि उनको ये है कि किसी एक पक्ष के वोट हम जोड़ लेंगे और बिखरा हुआ हिंदू जो है बांट के, और ये सच्चाई है, बहुत दर्द है हमें ये बोलते हुए भी, जो ये मंसूबा है ये कामयाब नहीं होगा और मोदी जी परचम लहराएंगे तीसरी बार। आपको क्या लग रहा है, सातों की सातों सीटें एक बार फिर से बीजेपी के पास, या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खेल खराब करेगी बीजेपी? कहीं नहीं है। अरे आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ आ गया, पिछली बार की बात देखो, दोनों का वोट परसेंटेज मिला लो, कहां आप बोल रहे हैं कहीं नहीं है? ये कह रहे हैं कि घोटाला किया ही नहीं। ठीक है, हमें एक जवाब देता, घोटाला कैसे किया? गंगा बॉर्डर पानी आता था हमारे पास, वो पानी कहां चले गया? सोनिया बिहार के पानी, बिजली फ्री, पानी फ्री, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां फ्री, जेल के अंदर से निर्देश दिया जा रहा है, कुछ भी फ्री नहीं, पेंशन। आप हाथ उठा रहे, क्या बोलना चाह रहे? देखिए सर, दिल्ली सरकार नशे में इतना डूब चुकी है, उसने घोटाला जो किया है ना, वो इतनी नशे में डूब चुकी है। घोटाला साबित हुआ कहाँ, अभी तो जांच चल रही है, होगा ना? इतनों ने कितनी बार ये कहा कि हम इस बार ये, दिल्ली की जनता ने मान लिया कि घोटाला हो गया है। नहीं, अगर घोटाला हुआ भी है तो अकाउंट सीज कर दिए, और पैसा कहाँ गया इनका, वो जो है गलत काम किया, जो गलत किसने किया, किसने को बंद करके इन्होंने गलत किया, किसने गलत किया? ईडी ने गलत किया, बीजेपी ने किया, बीजेपी ने किया, बीजेपी ने गलत किया। अगर मैं बताइए, अगर का फायदा होगा आम आदमी पार्टी को चुनाव में, को फायदा होगा? आप बोलिए, कल आतिशी जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, वो बोल रहे, आपने तो बहुत चुनाव देखे, मैं चाहूंगा बोले, वो बोल रही थी कि आप पूरी जो दिल्ली की जनता है वो साथ में, सिंपथी वोट मिलेगा, आपको लगता है ऐसा? सुनिए, हमारे आपके विचारों से क्या होगा? अरे आप ही को तो वोट देना है, सरकार आपको बनानी है। देखिए, वोट जो है वो आदमी की पर्सनल च्वाइस होती है, और रही बात इसकी कि मामला सब ज्यूडिस है, कोर्ट में मामला है, और देश में कोर्ट जो है, सियासी माहौल तो गर्मा गया, असर तो होगा, वो तो चलता है, वो तो रहेगा। नहीं तो क्या हुआ, गलत हुआ सही हुआ, गिरफ्तारी के बारे में क्या बोले? गलत सही का निर्णय मैं क्यों बताऊं? आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली में समझौता कर रहे हैं और पंजाब में इकट्ठे हैं नहीं, तो क्या करेंगे? ये इलेक्शन लड़ने के काबिल ही नहीं है, ये हारेंगे, बिल्कुल हारेंगे। ठीक है, आप कुछ बोलना चाहते? फिर अगले ठीक थूक के चाट रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, जो कांग्रेस के साथ मिलके इंडी गठबंधन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो ये बोल रहे भाई, लोकतंत्र को बचाना, विपक्ष को खत्म कर रहे हैं, इसलिए हम साथ हैं। लोकतंत्र तो बचा पड़ा है, लोकतंत्र इनकी ऐसे कारनामे हैं। विपक्ष ये बोल रहा है भाई, देखिए, एक पार्टी के खाते आप फ्रीज कर देते हो, बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लेते हो, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर ले, इसलिए लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। हिंदुस्तान में कोर्ट अभी बाकी है, कोर्ट अभी है यहाँ पे,
कोर्ट में जाओ, अपना पेश करो पक्ष। आप क्या बोल रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ, ये जो कह रहे हैं गठबंधन गठबंधन, ये लठबंधन है। जिन्होंने ये एक मिनट जिन्होंने ये लठबंधन जोड़ा था ना, जिन्होंने ये लठबंधन जोड़ा था वही छोड़ के चले गए। वही केजरीवाल हैं जो कहते थे ये रही मेरी जेब में चिट्ठी, सोनिया गांधी चोर है, शीला दीक्षित ने घोटाला किया है। अरे विपक्ष तो फिर उस तरफ भी बहुत नाम गिना रहा है ना, जिनके खिलाफ घोटाले के आरोप लगे वो सब एक एक करके एक तरफ आ गए। भाई साहब यही तुम देख लो, ये सिर्फ अपने परिवार को बचा रहे हैं, जितने भी लठबंधन में जुड़े हुए सिर्फ अपने परिवार को बचा रही है। आप हाथ उठा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये गठबंधन कमाल करेगा, कुछ इस बार अलग होगा। सर मोदी आएंगे आपकी बार, आप बोलिए। मोदी आएंगे, मोदी थे हैं। अच्छा अच्छा, आप किस कह रहे सरकार बनाएंगे? टोटल 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 इनसे पूछा जाए कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं ये? पंजाब में 13, दिल्ली में 4, इसके अलावा 17 सीटों में कितनी सीटें जीत जाएंगे जो ये केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? इनका कहीं पे भी कोई वोट नहीं मिलेगा। अब यार पंजाब में भी इनका जो है अच्छे से, पंजाब में भी इनको जो है धूल चटाई जाएगी। इनको अपना पता लगेगा कि जो इन्होंने पंजाब में वायदे किए हैं, जो सब किया बहुत गलत। लेकिन ओपिनियन पोल तो कुछ और ही बोल रहा है, पंजाब में आम आदमी पार्टी को फायदा मिल रहा है ओपिनियन पोल के साथ। आप ओपिनियन पोल जो है लिमिटेड को कर रहे हैं, आप मास की बात नहीं कर रहे, आप पब्लिक से बात करिए। पब्लिक आज भी जो है मोदी जी की, आप क्या बोल रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं ये जो केजरीवाल जी को अंदर किया है, ये यहाँ की तो बात छोड़ो, पूरे विश्व में इसकी भर्त्सना हो रही है। अरे इसको तो मारो ना, जब इंटरनेशनल पॉलिसी विश्व में आप लारत दे रहे हैं, आपके हिसाब से गलत हुआ है? गलत हुआ है, कभी बाहर नहीं निकला। इलेक्शन डिक्लेयर करने के बाद तो ये हो रहा चाहिए था। ये बताइए, आप एक बात बताइए, एक और बड़ा है मुझे। अच्छा बोलिए, घोटाले की लिस्ट इतनी लंबी है, सिरसा से माफी मांगो, केजरीवाल जी उनसे माफी मांगो, इन्हों की माफी की लिस्ट इतनी लंबी है। घर नहीं लूंगा, मकान नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाता हूँ मैं नहीं लूंगा, आज बीआरपी कल्चर यूज कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं और लोगों के पास कुछ और लोगों की राय भी, आप बताइए, आप बताइए। आप पूर्वी दिल्ली की ओपिनियन लेने आए हैं, पूर्वी दिल्ली में जो है 10 साल से इनके जो है एमपी है। किनके? बीजेपी के। मैं इनसे पूछता हूँ, 5 साल इनका महेशगिरी यहाँ रहा, 5 साल गौतम गंभीर यहाँ रहा, यहाँ पर कितनी बार उन्होंने देखा है? यहाँ पर एक बार यहाँ शक्ल दिखाई नजर नहीं आए? बिल्कुल नहीं आए, एक बार नहीं आए। लेकिन इस बार तो हर्ष मल्होत्रा है। हर्ष मल्होत्रा बाहर का है, लोकल नहीं है, वो भी बाहर का है। यहाँ पर कोई तो आपके हिसाब से क्या होगा इस बार? कुलदीप कुमार जो आम आदमी पार्टी के, क्या कुछ कर पाएंगे? पार्टी जीतेगी हमारी और जीतेगी, आप बताइए। कुलदीप कुमार जीतेंगे, गठबंधन जीतेगा, सरकार बनाएंगे। और लेकिन पिछली बार 2019 में तो 2.5 लाख वोट से बड़ा अंतर था, हरा दिया था गौतम गंभीर ने। ये 2.5 लाख का जो अंतर, कैसा पूरा ठिकाना? डकैती का कोई ठिकाना नहीं, आपके घर में डकैती करके ले जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ कुलदीप कुमार जीतेगा, गठबंधन ने सरकार बनाएगा, और इनको फिर 400 पार कहते हैं, ये बिल्कुल बेकार। अच्छा अगर ये बीजेपी द्वारा आई, एक मिनट, अगर ये बीजेपी द्वारा आई, हमारा देश फिर गुलामी की ओर जाएगा, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वैसे 10 ये अमीरों की वो आएगी कंपनी, ये 10 अमीरों की कंपनी आएगी, ये द्वारा गुलाम बन जाएगा। ठीक है, बोलिए बोलिए। 400 हार मोदी सरकार। कुछ बोलना चाह रही थी कि आज वो कुछ खुलासा करने वाले हैं, वो एक ब्रीफ केस लेके आएंगे। वैसे पहले शीला दीक्षित के कागज लाते थे, बाद में क्या हुआ, जिस दिन वो सरकार में आए, हम राजनीति बदलने आए हैं, ये बदलेंगे राजनीति। सारे मुख्यमंत्री जब भी गए उन्होंने इस्तीफा दिया। देखिए ना, राजनीति में बड़ा नया हो रहा है, जेल के अंदर से आदेश आ रहे हैं, जेल के अंदर से सरकार चल रही है। कुर्सी का पैर पकड़ के लटके हुए, छोड़ने की इच्छा ही नहीं कर रही। राजनीति मोटिव नहीं है इनका, लोकतंत्र का कोई मोटिव नहीं है, कुर्सी को पकड़। अगर इतने ही अच्छे होते, इतने ये बोल रहे हैं कि भाई जेल के अंदर से भी दिल्ली वालों की सेवा कर रहे हैं, क्या जेल के अंदर से सरकार चला सकते हैं? जेल के बाहर रहकर तो इन्होंने क्या कांड किए? जेल के अंदर से माफिया काम करते हैं जेल के अंदर से, ना कि सरकारें चलती है कभी। आप ये बताइए, ये वही गठबंधन है जो कांग्रेस का खुलासा करने वाली थी? आज सारे चोर चोर मोसेरे भाई एक साथ हो गए हैं। तो ये सोचिए, जब ये उनका खुलासा कर रहे थे, आज अपने खुलासे की जब बात आई तो ये पलट गए, ये सच्चे हो गए। कहाँ गए अन्ना हजारे, कहाँ गए? नहीं, लेकिन अगर कोई खुलासा कर देते, मैं पीछे भी आऊंगा, मैं आता हूँ। अच्छा, अगर आज अरविंद केजरीवाल कोई खुलासा कर देते तो क्या बोलेंगे? क्या खुलासा करेंगे? ऑलरेडी सब चीजें फंसे हुए हैं, तो क्या खुलासा करेंगे? खुलासा तो बीजेपी कर रही है, सारे जितने भी फ्रॉड करके सबका खुलासा तो बीजेपी कर रही है, तो वो क्या करेंगे खुलासा?
लेकिन आम आदमी पार्टी बोल रही है भाई झूठे केसेस से फंसाया जा रहा है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी प्रूफ दे चुकी है, हाईकोर्ट में सब प्रूफ हो चुका है, तभी तो जेल गए। यदि प्रूफ नहीं होता जेल गए। आप कह रहे हैं कि झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे। आम आदमी पार्टी वाले सुन ले, सुन लीजिए सर, ये नाग नहीं किसी काम के है। अरे ये नाग नहीं किसी काम के है, और न पड़े गधन पे धूल, और 2024 में खिले फिर से कमल को। आप बोलिए क्या लग रहा है, कैसा काम रहा अरविंद केजरीवाल का? भाई साहब बहुत अच्छा है, देखो कितना बहुत अच्छा काम है अरविंद केजरीवाल का। सुनो तो सही भाई साहब, कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ। कहते हैं कि जेल में बैठे हैं, जेल में कभी आपने देखा है कि कोई सरकार चलाता है जेल से? कौन चलाता है? माफिया चलाता है। अरे अरविंद केजरीवाल तो नई राजनीति की बात बोलते हैं ना, माफिया गिरी है राजनीति, कैसी राजनीति? माफिया गिरी कर रहे हो तुम, बोलते हो नई राजनीति। लेकिन उनको तो चिंता हो रही है, पानी को लेकर चिंता जताई, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर, दवाइयां कब नहीं पड़नी चाहिए। हमारे इस एरिया में पानी और सीवर की इतनी गंदी हालत है, यदि आपके पास 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट का देखो सारे ओवरफ्लो हो रहे हैं, जो जो ये सीवर ये जो ड्रेन है, ड्रेन पीडब्ल्यूडी का। लेकिन यहाँ लोग पीडब्ल्यूडी के अंदर जो पीडब्ल्यूडी के जो क्या कहते हैं ड्रेन है वो भरे हुए हैं। बोलने पे वो कहते हैं कि नया बनवा लो। यार नया क्यों बनवा लो, वो जब साफ हो सकता है तो नया क्यों बनवा लो? लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा था, वो बोल रहे हैं भाई गौतम गंभीर मौजूदा सांसद है, खैर इस बार टिकट नहीं मिला, उन्होंने इच्छा जाहिर नहीं की, लेकिन नजर नहीं आते हैं वो तो। अपने अपने काम में सभी व्यस्त रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो अपने अपने काम में हमेशा व्यस्त रहता है। जनता ही बोल रही है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बार आते हैं, बहुत बार सपने हैं, सबकी बात को समझते हैं, अपने काम को व्यस्त तरीके से करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि गौतम गंभीर। आप कुछ बोलना चाहते हैं? जो काम करता है वो नजर नहीं आएगा, वो अपने कैमरे की तरफ कार्य में लगे रहते हैं। बीजेपी वाले हैं, वो कार्य करते हैं और अपने शुद्ध कार्य में लगे रहते हैं। विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, आज उनकी कृपा से हर घर मंदिर हो गया, हर दिल मंदिर बनाया। आप बताइए काम हुआ है दिल्ली में? केजरीवाल जब बाहर था तब पानी की फिक्र नहीं की, जनता फिक्र नहीं की, इतना गंदा पानी देता था, और अब जेल में जाके वो पानी की फिक्र कर रहे हैं, पब्लिक की फिक्र कर रहे हैं। ये जो जेल से फिक्र कर रहे हैं क्या है ये? ये सब दिखावा है, ये दिखावा है, ये दिखावा है। सिंपति गैन करने के लिए कर रहे हैं, वो सब सिंपति गैन करना चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा बोल रहे हैं दिखावा है। एक सेकंड, यहाँ पर बोल रहे हैं कि दिखावा है, जेल के अंदर से जनता कितनी फिक्र केजरीवाल कर रहे हैं। आप खुद आपके हाथ में, आप देश के राजा, राजा चाहे जिसको मर्जी जेल में डाल दे, कोई अपने बात कोई कह नहीं सकता, किसी को आप उसका जवाब देने नहीं देंगे है? आप एक बात बताइए, ये दिल्ली में हमारे से कितनी बार हारे? 70 में से 67, फिर 70 में से 62, अभी हाल फिलहाल नगर निगम का चुनाव हारे। ये केजरीवाल जी से इतनी बार हार चुके हैं, और इनको सबसे बड़ा झटका केजरीवाल का डर है। केजरीवाल जो पंजाब में बोल रहे हैं केजरीवाल ने इतनी बार हरा दिया, केजरीवाल का डर है? डर तो है ही नहीं के ऊपर, जो हमारा किसके ऊपर डर है? जो केजरीवाल का बीजेपी वालों को, बीजेपी को डर है इनको कैंडिडेट से, जो हमारा कैंडिडेट जीतता है उसको खरीदने की कोशिश करते हैं, धमकाते हैं, उनको पर ईडी भेजते हैं, पैसा भेजते हैं। और फिर एक बात बताइए, एक बात, ये स्कूल खड़े हैं किसने बनवाए? ये स्कूल खड़े हैं किसने बनवाए, एक बार दिखा दीजिए, केजरीवाल ने। आप कानून को नहीं मानते, आप संविधान को नहीं मानते, नो नोटिस आए ईडी के क्यों नहीं गए आप? अगर थाने गए सच्चो, हम लोकल लीडर अगर हमें बुलाता तो हम जाकर के जवाब करते हैं कि एसएचओ साहब आपने हमें क्यों बुलाया, हम क्षेत्रीय नेता हैं, अगर एसएचओ साहब हमें बुलाते हैं कि रोहतास जी आपको थाने आना, तो हम जाकर के मिलते हैं वहाँ पर कि साहब आपने हमें क्यों बुलाया, आपको ईडी ने नोटिस, यानी मजबूरन गिरफ्तार करना पड़ा। ये जो केजरीवाल कहते हैं, ये जो केजरीवाल कहते हैं कि ईडी जो है सब झूठ बोल रही है, तो जो सबूत दे पब्लिक के सामने। देखिए उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल बोल रही है कि जिस दिन आए थे गिरफ्तारी के लिए उस दिन सिर्फ 73,000 रुपए मिला है घर से, 250 रेट हो गए, 1 रुपया नहीं मिला कहीं से। तो वो रुपया कहां क्या वो रुपया, जब वो डीजीपी रहे, डिजिटल बोर्ड का बेटा। आप कुछ बोलना चाहते हैं बोलो। हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ कि देश का भविष्य हमारी बीजेपी की पार्टी के साथ ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने ही हमारे देश को फर्स्ट डेमोक्रेसी बनवाया है, और अपने साथियों के साथ वो ही इतने सारे काम कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट और बहुत सारे उन्होंने कैंपेन चलाए हैं, उस वजह से उन्हीं को हमारा अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए मेरे साथ। चलिए ये बहुत ठीक है, आप बोलिए बोलिए जल्दी। 12-13 की 12-13 केजरीवाल की स्टेटमेंट देख लीजिए, 12 और 13 की स्टेटमेंट देख लीजिए,
उन्होंने पूरी फेरी थी उनके बाद, सब चोर थे उस समय, आज मित्र बन गए। तो मैं अपने आम आदमी पार्टी नेताओं को बोलना चाहता हूँ कि भैया इतना मत करो भैया, थोड़ा देखो, हर चीज देखनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज करके आप कुछ ही बोल दोगे। आप बोलिए क्या बोल रहे? आ रहे हैं मोदी, छा रहे हैं मोदी, रोक सको तो रोक। चार सौ बार क्या बोल रहे हैं? आ रहे हैं मोदी जी, छा रहे हैं मोदी जी, लेकिन इंडिया अलायंस तो है, इंडिया अलायंस कुछ नहीं होगा, इंडिया तो इंडी हो गई, आपको पता है। अच्छा, आपकी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, लेकिन आप कुछ बोलना चाहते हैं, जो माहौल बना है क्या बोलेंगे? देखिए माहौल 2014 में कुछ उम्मीद थी मोदी जी से, 2019 में भी उम्मीद थी मोदी जी से, लेकिन ना तो वो 15 लाख का जुमला उछाला, वो फेल हो गया। कोई बात कहते हैं, अब किस बात पे यकीन करें कि वो बात को पूरी करेंगे? जब बात नहीं हो पाती तो उसे कह देते वो तो कौन नहीं बात को पूरा कर रहा? मोदी जी बात को पूरा नहीं कर पाते, जो बात उनसे पूछो कह रहे वो तो चुनाव का जुमला था, मैं कहाँ से दूँ, नौकरियाँ कहाँ से। इस बार क्या लग रहा है पूर्वी दिल्ली में? गठबंधन यहाँ से पूर्वी दिल्ली से गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे 90% सारी बात। देखिए एक जब मैंने गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि क्योंकि इनके जो एमपी आए दो बार, महेश गिरी जी आए, गौतम गंभीर जी आए, उन्होंने कोई काम नहीं किया क्षेत्र में, कभी नहीं आए। लेकिन हम ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, एक बात बताइए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, जो एक सेकंड सवाल मेरा सवाल हो जाए पहले, सवाल प्लीज प्लीज, सवाल एक बार मेरा सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। बीजेपी का नारा 370 प्लस और एनडीए के लिए 400 प्लस, लेकिन उसी को चैलेंज करने के लिए तो इंडिया अलायंस बना है, कुछ हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो वो ये वो शख्स है जो ईडी के सामने पेश होने के लिए भी कंडीशन लगाता है कि अगर गिरफ्तार ना करो तो मैं पेश होऊंगा। ये कानून नहीं मानता, ना नैतिकता मानता, ना कुछ नहीं मानता, तो ये पब्लिक सब समझ रही है। इस बार जितनी पिछली बार उनकी आई थी ना सीटें, उससे भी कम आएंगी, आप देखिएगा हम 400 पार करेंगे। यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आने से कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जितना अच्छा इंडिया अलायंस कुछ नहीं कर पाएगा बीजेपी के सामने। देखिए जब रिजल्ट आएगा ना सबको पता लग जाएगा। अभी से आपके हिसाब से क्या होगा रिजल्ट में? आपके हिसाब से आज आज ये इनको इनको 200 सीटों के लाले पड़ रहे हैं, जो इन्होंने इतने अपने इनके जो सांसद थे इन्होंने अपने सांसद तब ईवीएम खराब हो जाएगा और 400 हार करेंगे। अब की बार राहुल गांधी आएगा, छोड़िए मैं वहां भी जाऊंगा, पीछे भी कुछ लोग हैं। बोलिए बोलिए जी, मोदी क्यों जरूरी है मैं बताता हूँ आपको। अरे कुछ विशेष के लिए और पावन भेष के लिए, अरे सनातन सनातन धर्म और अपने देश के दिए, और कहता खेत पे किसान और खड़ा सीमा पे जवान। सनातन मुद्दा है हाँ, कहता खेत पे किसान और खड़ा सीमा पे जवान, और हमें खेलने को भारत माँ की गोदी चाहिए। वक्त बहुत कम बचा है। अरे हटो जी पप्पू जी, अभी तो हमें मोदी चाहिए। चलिए यहाँ पर मैं बोलिए बोलिए, यह पूरे वर्ल्ड में हिस्ट्री है कि आज तक कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ जिसने विजन की बात की, जिसने महिला की बात की, विजन यानी दूरदृष्टि देख लिया। आज वही प्राइम मिनिस्टर भारतवर्ष को चला रहा है और आने वाले समय में पूरी दुनिया पे यही राज करेगा, भारतवर्ष राज करेगा। जो अपने हर कार्यकर्ता को मौका देती है, सबको मौका देती है, जितना परिवारवाद यहाँ पे है ही नहीं, आप देख पाएंगे कि हर बार एक नए कार्यकर्ता को मौका दिया जाता है। हो गई है, पहले उसकी शुरुआत हो गई है, जन प्रतिनिधि क्यों उसके उसका वो पहले आप हाथ उठा रहे थे, मैं आपको देख रहा था, क्या बोलना चाहेंगे क्या होने वाला है इस बार? इस बार 400 पार पूरी, जो आपका स्लोगन है ना, इस बार किसकी सरकार? तो इस बार मोदी सरकार। ऊपर भी आने दीजिए, इस बार क्या लग रहा है पूर्वी दिल्ली में क्या रहेगा? मोदी आप बताइए, मोदी आप बताइए, मोदी। सर अभी गठबंधन का बात, गठबंधन सुनने दीजिए अभी गठबंधन का बारे में बात चल रहा है बड़ी जोर जोर से। हमने 77 में और इतने बड़े महान लीडर जो इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए जो खड़े होकर अपने जो योगदान दिया है, लीडरशिप किया, जयप्रकाश नारायण और बहुत सारे जो उस टाइम का जो लोग थे, उन लोगों ने गठबंधन बना दिया 77 में, जनता का गवर्नमेंट आया था। ये जनता गवर्नमेंट इतने बड़े अच्छे लोगों के साथ वो 2.5 साल से ऊपर चला नहीं है, और ये जो इसके अंदर कोई
कोई हमें कोई चेहरा नहीं इस बार दम नजर आ रहा आपको इंडिया अलायंस में? मैम ऐसा कोई जो नेशनलिस्टिक लीडर का एक चेहरा नजर नहीं आ रहा। कहाँ चेहरा नहीं? इंडिया अलायंस में? इंडिया अलायंस में, इंडिया अलायंस में एक भी मतलब चेहरा नजर आ रहा है। ये गठबंधन कभी हो ही नहीं सकता, पीपल आर फेड अप विद दिस। आप बोलिए, आप बोलिए, आप खुश है केजरीवाल सरकार के दिल्ली में काम से या फिर क्या लगता है मोदी सरकार? बंदा खुश है केजरीवाल को, सबको मुफ्त बिजली मिलनी है, सबको राशन मुफ्त मिल रहा है, सुविधा मिल रही है। हम सीमावर्ती क्षेत्र के रहने वाले, इतना साफ पानी आता है, साफ पानी एकदम। क्या बोल रहे हैं आप? गटर वाला पानी मिला रहा है केजरीवाल, गटर वाला पानी। क्या बोल रहे हैं? गटर का पानी, गटर का पानी। आप पानी माफिया चल रहा है सर, उसी कांग्रेस के साथ जुड़ गए जिस कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करके वो आए थे सत्ता में आने का कारण। लेकिन एक बात बताइए, इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर इनका परसेंटेज भी बढ़ेगा तो इसका असर पड़ेगा इस सीट पर? बिल्कुल नहीं पड़ेगा जी, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। एक बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जिसमें छोटे से छोटे बड़े लोगों को भी चांस मिलता है। अभी देखिए संदेश खाली का, संदेश खाली में जो लेडीज आ रहा हूँ आपके पास, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो बार बार गठबंधन गठबंधन हो रहा है, गठबंधन किसका बना? चोर चोर मुसेरे भाइयों का। इन्होंने क्या किया? कौन सा एक नेता ऐसा है जो करप्ट नहीं है? वो सारे करप्ट जितने भी हैं आज बीजेपी में आ गए, गठबंधन करप्ट है, सारे बीजेपी में आ गए। आपके लिए अजीत पवार बीजेपी में आ गया है और असम का मुख्यमंत्री बीजेपी में आ गया। जो बीजेपी में आता है वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। वो बड़ा बड़ा है मसला उठा रहे, विपक्ष भी ये बोल रहा है, विपक्ष भी ये बोल रहा है, जिन पर आरोप लगता था भ्रष्टाचार का वो बीजेपी में आ जाते हैं। लेकिन ये चोर चोर मौसेरे भाई है आपस में तो आप लोग लगाएंगे नहीं? पहले तो चिट्ठी दिखाते थे, अब खुद की चिट्ठी निकल आई। जो मोदी जी ने कहा वो करके दिखाया, गरीबों के लिए मुद्रा लोन योजना, उज्ज्वला योजना। पहले आप देखते थे सभी चौराहों पर और रेलवे स्टेशन पर एक ही आवाज आती थी कि कोई भी वस्तु बम हो सकती है। आज देखिए पूरा सुरक्षित हाथों में हमारा देश है। चलो आखिरी 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 गौतम गंभीर के बारे में चर्चा हुई। गौतम गंभीर जी ने यहाँ पे ऐतिहासिक लैंडफिल गाजीपुर का कितना काम ऐतिहासिक किया और उसके बाद कोविड के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स उन्होंने सबको में। चलिए ठीक है, ठीक है। तो आज आज देखिए माहौल बहुत गर्माता हुआ नजर आ रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि कांग्रेस साहब का गठबंधन वाकई में कुछ कर भी सकता है। वहीं लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी ही मजबूत नजर आ रही। खैर क्या होगा, ये तो नतीजों की बात पता चलेगा। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मिलेंगे 12:15 बजे।